जी कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 53। कल के लेक्चर में हमने एमसीक्यू और मैटर पैराग्राफ स्टडी किया था, आज के लेक्चर में हम अदर मैटर पैराग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपकी होम असाइनमेंट के। अच्छा, होम असाइनमेंट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उसकी रीज़न सुन लीजिएगा। असल में हमारे वॉल्यूम 2 के और वॉल्यूम 1 के क्वेश्चंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे क्वेश्चंस क्लास में जितने हमारे पास टाइम एलोकेट हुआ है उसमें डिस्कस होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो तरीकाकार मैंने क्या सोचा, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसकी प्रैक्टिस डिस्कशन जो है वो पहुँचे। यानी आप पहले खुद से कोशिश करें, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं होता तो कम से कम आप उस क्वेश्चन की डिस्कशन को जाके देख सकें। वो डिस्कशन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आप चाहे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है अगर आपके पास टाइम हो तो उनकी डिस्कशन को सुने, वरना उनमें से जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे आप सिर्फ उन केस स्टडीज़ की डिस्कशन को सुन सकते हैं। असल में वो केस स्टडी की डिस्कशन रिकॉर्ड हुई है पिछले सेशंस में। ठीक है, तो पिछले सेशंस के वो लेक्चर थे, उनमें से मैंने रेलिवेंट जो डिस्कशन है उनको कट करके अलग कर दिया था। अब मेरे पास ऑप्शन एक तो ये थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन है तो मैं 5 या 6 या 7 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उनकी डिस्कशन आपको क्लास में करवाऊँ और बाकी जो है वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर छोड़ दो। तो लेकिन मैंने डिसाइड ये किया कि ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 में से 10 क्वेश्चंस की डिस्कशन ऑलरेडी मौजूद है तो क्लास में बजाय ये कि मैं उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी जिन क्वेश्चंस की डिस्कशन नहीं है वो मैं इस सेशन में आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि डुप्लीकेशन की बजाय आपके पास एक कंप्लीट पैकेज बनता जाए कि जो क्वेश्चंस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसमें तो आप पार्टिसिपेशन कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं हो सके अगर पास्ट में उनकी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है तो आपको एक वैल्यू एडेड सर्विस के तहत वो आपके साथ शेयर कर ली जाए। आपका दिल करे, आपके पास टाइम हो, आप उनको देखें, और अगर आप समझते हैं कि नहीं आपने कुछ केस स्टडी सॉल्व कर ली है और डिस्कशन की जरूरत नहीं है तो आप उसको ना देखिए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप केस स्टडीज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको टाइम हो तो जरूर देख लें, बेहतर ज़्यादा यही है, लेकिन वो आपकी अपनी ऑप्शन के ऊपर है। अगर आप समझते हैं केस स्टडी सॉल्व हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब क्लास में आपके क्वेश्चन या केस स्टडी डिस्कस नहीं होगी। नहीं, डिस्कस जरूर होगी, वो सिर्फ आपको एडिशनल प्रैक्टिस के तौर पर मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब चलते हैं, कल आपको असाइनमेंट दी गई थी, 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, उनमें से 2 क्वेश्चन की डिस्कशन मैंने कल व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर कर दी थी, बाकी 2 क्वेश्चन उनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का है और एक क्वेश्चन केस स्टडी का। वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 15, व्हाट इज मेंट बाय एन एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच एन ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एन एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। कौन कौन सी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं? एक एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ को डिफाइन करना है और उसका सिचुएशन बताना है। अच्छा, आपके ख्याल में इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी? 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है, 2 नंबर की डेफिनेशन होगी और 3 नंबर होंगे उसके एग्जाम्पल्स के। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस बताने के, और उसमें भी शायद एक सर्कमस्टेंसेस को डिस्क्राइब करने का 1 नंबर होगा। लेकिन मैं एहतियातन टू बी ऑन सेफ साइड क्या करूंगा भला, मैं एक आधी एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस भी लिख दूंगा ताकि अगर कोई गलत हो जाए तो वो मुझे मेरे कंपनसेट कर दे। आप मुझे ये बताइए, एग्जाम में अगर आप इस तरह की लिस्ट आती है और उसमें कुछ पॉइंट्स ज़्यादा लिख देते हैं तो वो आपके फर्स्ट 3 आइटम्स को चेक करेगा या बेस्ट 3 आइटम्स को चेक करेगा? बेस्ट 3 आइटम्स को चेक करेगा, याद रखिए। इसलिए हमेशा अगर आपके पास टाइम हो तो बेहतर यही है कि आप कुछ एडिशनल लिख लें, कुछ एडिशनल पॉइंट। अगर आपके पास टाइम हो तो एडिशनल आइटम लिख देना ज़्यादा बेहतर है। जी, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ बताइए क्या है? इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू अ मैटर व्हिच इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोवाइडेड मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन एंड मैटर इज नॉट ए प्रोवाइडेड मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन। ये बता दीजिए इस लाइन का क्या मतलब है, मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन, के ये वो मैटर है जो जिस पे ना मिस स्टेटमेंट है ना स्कोप लिमिटेशन हो जाए, क्योंकि अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो तो ये रिक्वायर करेगी मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ये मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा, एमसीक्यू मैटर में नहीं आएगा। क्लियर, और एग्जाम्पल्स बताइए मेरे भाई जी, कौन सा एग्जाम्पल्स कौन कौन सी है? एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन, शाबाश, एक एग्जाम्पल। और आपने पूरी लिखनी है, मैं सिर्फ की पॉइंट पूछ रहा हूँ आपसे, आपने पूरी। सब्सिक्वेंट इवेंट, शाबाश, 2 एग्जाम्पल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीइश्यूड और रीस्टेटेड, शाबाश,
मेजर डिजास्टर इफेक्टिंग एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू, ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी तो नहीं है? नहीं नहीं, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड और स्पेशल व्हेन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इज यूज्ड। और एक और एग्जांपल भी था, हाँ, व्हेन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज अनएक्सेप्टेबल बट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्लियर हो गई एग्जाम्पल? चलिए, अच्छा ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चीज क्या है वाला, एग्जाम्पल सर्कमस्टेंसेज, इसकी डिस्कशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अब वॉल्यूम टू के जिस क्वेश्चन की डिस्कशन शेयर नहीं की थी उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन 28 था ना, क्वेश्चन 32 की डिस्कशन तो शेयर हो गई थी, ठीक है, वो कल लेट नाइट हुई थी लेकिन बाला शेयर कर दी थी मैंने, अगर नहीं देख सके आज जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन 20, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव मैटर ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब मुझे ये बताइए कि एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ IIL। अच्छा, रिक्वायरमेंट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसने कहा है इंपैक्ट बताइए ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज ना होता तो हमें सिर्फ ऑडिट बोर्ड के ऊपर इंपैक्ट बताना था, अब हम ऑडिट बोर्ड पे भी इंपैक्ट बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा बताइए, ऑडिट बोर्ड के अलावा जो ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म करने, अगर हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करनी है, दो चार भी गवर्नेंस को रिक्वेस्ट करनी है, वो प्रोसीजर को बढ़ाना है, अल्टरनेट प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करने की कोशिश कर, ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने चाहिए इस केस स्टडी में? क्यों नहीं लिखने चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उसने कहा है कि रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट बताओ, बाकी का कोर्स ऑफ एक्शन, बाकी के प्रोसीजर उसने रिक्वायरमेंट में मेंशन नहीं किए, तो बाकी और कुछ भी नहीं बताना। हाँ, रिपोर्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ऊपर वाला एलिमेंट इफेक्ट हो या नीचे वाला एलिमेंट, जो कुछ भी इफेक्ट आ रहा है सारा बताना, लेकिन रिपोर्ट से बाहर कुछ भी, रिपोर्ट के अंदर सारा कुछ बताना है जो जो जहां जहां इफेक्ट हो रहा है, और रिपोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं बताना। क्यों भला? क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने कहा है मुझे इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, उसने इफेक्ट ऑन ऑडिट नहीं पूछा, उसने इफेक्ट ऑन, उसने कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पूछा, उसने ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं। अगर ये अल्फाज रिक्वायरमेंट का हिस्सा होते तो फिर हम बताते हैं, पढ़ते हैं। और लेकिन ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन के हमारे दो हिस्से होंगे, एक में हम इफेक्ट ऑन ऑडिट, दूसरे में इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेट। अच्छा, टेक्निकली ना मुझे ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज पहले लिखना चाहिए था, ऑडिट बोर्ड का बाद में, क्योंकि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं ऑडिट बोर्ड में क्या आना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम अपनी तरतीब में पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट और फिर बाद में ऑडिट बोर्ड की इफेक्ट बताएंगे। क्वेश्चन कह रहे यू आर द सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट। सीनियर का मतलब क्या? आप टीम में सीनियर है, ऑडिट सीनियर। फॉर द ऑडिट ऑफ इकरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट यू became aware that a legal action has been instituted against IIL, yani jis client ka hum audit kar rahe hain uske khilaf legal action start hua hai, by some of its customers on account of disputes related to performance of its products. पहली चीज मुझे बताइए, जब कभी litigation आएगी, legal case आएगा, best evidence क्या होता है हमारा? lawyer का opinion, लॉयर का ओपिनियन। हम लॉयर से पूछते हैं बताओ इस केस का क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे? हमारी जो रिकॉर्डिंग होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो लॉयर के ओपिनियन की बेस पे डिपेंड कर रही होती है। यानी अगर लॉयर कहे कि केस हार जाएंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? प्रोविजन रिकॉर्ड होती है। अगर लॉयर कहे कि केस जीत जाएंगे, फाइनेंशियल प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करती बल्कि डिस्क्लोजर रिकॉर्ड करना, याद है ना? यानी जब आउटफ्लो प्रोबेबल, लॉयर कहे आउटफ्लो प्रोबेबल है तो प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। आउटफ्लो प्रोबेबल का मतलब यही है ना, केस हार जाएगा। और अगर कहे आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है या यानी पॉसिबल है, फिर डिस्क्लोज करना। तो ये तो लॉयर के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, आगे बताएगा शायद लॉयर, कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू योर रिक्वेस्ट फॉर एन ओपिनियन द कंपनीज लॉयर हैज सिंपली स्टेटेड वी आर टोटली अनएबल टू गिव एनी एस्टिमेट्स। इसका मतलब है लॉयर भी अनसर्टन है, पता वो कहे भाई अभी अभी केस शुरू हुआ है, अभी एक दो पीछे, अभी कैसे बता दूं, अभी नहीं बता सकता। वी आर टोटली अनएबल टू गिव एनी एस्टिमेट, मुझे खुद नहीं पता क्या होगा अभी, अभी थोड़ा जरा डेवलपमेंट हो जाए केस में फिर मैं बता सकूंगा। क्लियर? तो अब बताइए आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल है? आउटफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल नहीं, क्योंकि वकील ने कुछ प्रोबेबल मेजरेबल कहा ही नहीं, आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल नहीं है। आगे, नो प्रोविजन वॉज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पॉसिबल लॉस एज रिजल्ट ऑफ द क्लेम विच आर कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। कह रहा है कि अगर हम केस हार जाते हैं तो जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो मटीरियल होगी, यानी केस की अमाउंट मटीरियल है। आर फॉर द रिलेटेड लीगल एक्सपेंसिस ऑल्दो डिटेल्स ऑफ दोज लीगल क्लेम्स वर फुली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स। अच्छा, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि होना क्या चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस केस से रिलेटेड।
प्रोवियन प्रोवियन रिकॉर्ड होनी चाहिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आउटकम का पता होता, अगर पता होता तो होनी चाहिए। अच्छा मेरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सुन लें, ये जो गिवन केस है इसमें प्रोवियन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? आप लोग प्रोबेबल एंड मेजरेबल नहीं है, वो बेचारा वकील मेजर ही नहीं कर सका, वो वकील कुछ बता नहीं सका, आउट लो प्रोबेबल नहीं है, तो क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे डिस्क्लोज करना चाहिए। उसने ये इसलिए कहा, कहीं आप ये ना कहें कि इमटीरियल है, जो मर्जी कर दो, अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। कहता जो भी अमाउंट होगी ना वो होगी मटीरियल, जो भी अमाउंट है यानी केस की अमाउंट मटीरियल है, ताकि हम उसे इमटीरियल कह के सब कुछ इग्नोर ना कर दें। ठीक है, उसने कहा इमटीरियल अज्यूम ना करना है, मटीरियल, लेकिन अभी बता नहीं सके, अभी बता नहीं सकते वकील ने कहा, तो इसको डिस्क्लोज होना चाहिए। ये इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियर है, प्रोवियन रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी। अब इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताएं, अगर मैनेज, अच्छा इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने फुली डिस्क्लोज कर दिया हुआ है। अच्छा क्या इसमें ये हमें लिखना चाहिए, इफ डिस्क्लोज तो ये इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है, इफ नॉट डिस्क्लोज ये नहीं लिखना चाहिए? ये क्यों नहीं लिखना चाहिए? शाबाश, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया, इसका मतलब है असूल हमें यह पता चला कि जो क्वेश्चन में उसने चीज स्पेसिफिकली बताई है वो एज्यूम नहीं करनी। आप स्टूडेंट्स की आदत बन जाती है कि जो चीज बताई होती है ना उसको भी एज्यूम करना शुरू। सर आपने खुद ही कहा था कि दोनों पॉसिबिलिटीज कवर करनी है, भाई वो कब कहा था? मटीरियलिटी के कंटेक्स्ट में, कि जब मटीरियलिटी के बारे में उसने ना बताया हो, बेंचमार्क ना दिया हो, तब कहा था इफ मटीरियल तो ये, इफ इसका ये मतलब नहीं हर केस में ये करते। एक वैसे में क्लियरली उसने कहा नॉट डिस्क्लोज, वहां पे भी सॉल्यूशन में लिख रहा होता है इफ डिस्क्लोज तो ये इफेक्ट होगा, इफ नॉट डिस्क्लोज तो ये इफेक्ट होगा। ठीक है, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, मे बी वो इसका कोई एक आधा नंबर काट ले कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन की अजम्पशन ले ली है। गिवन इंफॉर्मेशन की अजम्पशन तो ना, अजम्पशन का असूल हमेशा होता है क्या, जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसको अज्यूम करना, जो है उसको अज्यूम नहीं करना। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या आएगा, डिस्क्लोज किया हुआ खाके पहले अनमोडिफाइड ओपिनियन तो बता दें, ओपिनियन ओपिनियन सबसे अहम है वो तो बता दें पहले, अनमोडिफाइड ओपिनियन स्पेशल। हाउएवर आगे क्या है, अब देखिएगा स्टूडेंट कैसे फेल होते, कैसे फेल होते बता, मैंने बता दे, बता देता हाँ उसके जो तीन पॉइंट, शाबाश, कौन से तीन पॉइंट्स? तीन पॉइंट्स लाजमी, सिर्फ एमसीस ऑफ मैटर नहीं क्वेश्चन में लिखा करते, ये मैंने आपको कल भी समझाया था, सिर्फ एमसीस ऑफ मैटर नहीं लिखना, एमसीस ऑफ मैटर की जो इंफॉर्मेशन है वो भी लिखनी है कि मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड रेफरेंस, और आखिरी लाइन क्या थी, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। अच्छा ये भाई मुझे बताइए, ये जो लाइन लिखी होती है एमसीस ऑफ मैटर में, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, इसका मतलब ये हुआ, मैं समझ गया इसके अंदर का कंसेप्ट समझ गया, इसका मतलब यह है कि जब कभी एमसीएस ऑफ मैटर रिपोर्ट में आएगा ना, जो ओपिनियन है वो अनमोडिफाइड होगा। इस लाइन का यह मतलब नहीं है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, इसका यह मतलब नहीं है। दूसरा मतलब क्या, कि ये जो मैटर है ना इसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, किसी और मैटर की वजह से हो सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रिपोर्ट में एडवर्स ओपिनियन हो और उसके साथ एमसीएस ऑफ मैटर भी हो? बिल्कुल हो सकता है। शाबाश, ये क्वेश्चन क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। कंपनी के लॉस नहीं, कंपनी के लॉस का नहीं, ये लीगल केस में जो नुकसान होगा उसका एस्टिमेट दे रहा है, जो लीगल केस हारेंगे नहीं नहीं एस्टिमेट भी वकील ही बताएगा कि नॉर्मली इस तरह के केस में कितने का कोर्ट हर जाना करवाती है, पेनल्टी कितनी होती है, वकील को बेहतर बताओगे। कोई क्वेश्चन, चलिए इसको क्लोज करें, इसके अलावा असाइनमेंट में और कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए ये हमारी डिस्कशन हो गई एंड, अब चलते हैं, कंसेप्ट हो तो इसी तरह के क्वेश्चन। अब थोड़ा देखिए सिचुएशंस यही होती है लीगल केस वाली, अब वो जाहिर है इसको डिस्क्राइब करने का तरीकाकार थोड़ा वो चेंज करके दे सकता है कंसेप्ट, क्योंकि आप सिर्फ एमसीएस ऑफ मैटर लिख के बस कर देते हैं। आपने रिटन असाइनमेंट की थी? अच्छा एक मिनट, अरे एमसीएस ऑफ मैटर के साथ पॉइंट्स लिखे थे कि नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे ना, यही तो रीजन है, यही रीजन है कि आगे, क्योंकि आप सही तरीके से उसको जज नहीं कर पाते कि कितना लिखना, वो कब पता चलेगा, जब आप सोल्यूशन वगैरह को देखेंगे, एग्जामिनर कमेंट्स को देखेंगे, क्लास में जो उस्ताद टिप्स देता है उसको जहन में रखेंगे। ठीक है, तो एमसीएस ऑफ मैटर जब कभी किसी भी केस स्टडी के सोल्यूशन में आपने लिखना है उसके साथ ये तीन बातें जरूर लिखनी है। पास्ट पेपर्स के किसी सोल्यूशन में आई के आपने लिखी है, किसी में नहीं लिखी हुई,
लेकिन याद रखिए आपने हमेशा लिखनी है, क्योंकि रिसेंट एंड में वो इसको ऐड कर रहा है जी। अगर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड था और हमने वो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया, क्या ये मिस स्टेटमेंट होगी? यस, ये मिस स्टेटमेंट होगी, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट होगी। टैक्स कंटिजेंसीज क्या होता है? टैक्स कंटिजेंसीज का मतलब ये होता है कि टैक्स वालों ने हमें कहा, आपने जो असेसमेंट करके टैक्स जमा करवाया ना, ये कम है, मजीद टैक्स जमा करवाएं। उन्होंने एफबीआर वाले ये ऑर्डर इशू कर देते ना, असेसमेंट ऑर्डर। एक तो हमने असेस करके अपने सबमिट करवानी होती है, एक एफबीआर, और हमने अपील फाइल कर दी। टैक्स लिटिगेशन को कहते हैं टैक्स कंटिजेंसी, यानी जब एफबीआर वालों के साथ आपका कोई डिस्प्यूट हो टैक्स मैटर्स के ऊपर, इसे कहते हैं टैक्स कंटिजेंसी। जो रूटीन नेचर की टैक्स कंटिजेंसीज होती है, इनके ऊपर एमसीसो मैटर नहीं आता। हाँ, जो कोई बड़ी एक्सेप्शनल नेचर की टैक्स कंटिजेंसी होगी, जैसे एफबीआर हमारे खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे कि टैक्स फ्रॉड किया हमने, टैक्स छुपाया, तो फिर वो क्या है? एक्सेप्शनल। यानी जब कभी किसी, याद रखे, जब कभी किसी भी केस की एक्सप्लेनेशन दे देना आपको लीगल केस की, तो उसका मतलब है वो एक्सेप्शनल है। जैसे ये जो इकरा इंडस्ट्रीज वाला केस था, ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन थी कि नहीं थी? कैसे पता चला एक्सेप्शनल लिटिगेशन थी? बताया था एग्जाम में जो भी केस आ जाए, जब तक वो खुद ना बताए कि रूटीन नेचर का। उसने खास तौर पे उसका केस को डिस्कस करने का मकसद कि जी ये एक परफॉर्मेंस से रिलेटेड था, कस्टमर ने फाइल किया था, ये उसको जो डिटेल बता रहा है, इसका मकसद यही है कि आपको इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है कि एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल। ठीक, चलिए और कोई क्वेश्चन? जी अगर ये लीगल, अगर इसमें प्रोबेबल और मेजरेबल होता तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? उस सूरत में प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं। और अगर क्लाइंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड की होती तो हम प्रोबेबली इसके ऊपर एमसीसो मैटर पैराग्राफ ना देते। हाँ, प्रोबेबली हम इसके ऊपर एमसीसो मैटर पैराग्राफ ना देते। एमसीसो मैटर पैराग्राफ में हम डिस्क्लोजर के ऊपर ज्यादा फोकस होता है हमारा, कि जो डिस्क्लोजर ज्यादा है हमें। अगर कोई अमाउंट्स दी गई हैं, अमाउंट्स, उनके ऊपर एम्फोसाइज नहीं करते हम। इस केस में डिस्क्लोजर दिए हुए थे, हाँ जी, तो इसलिए हमने एमसीसो मैटर इंक्लूड करवाया, हमने करवाया था एमसीसो मैटर। अच्छा, यहाँ पे एक दो लाइंस लिखी हुई हैं, स्टूडेंट ने कहा है वो बता दिया एग्जाम टेस्ट में। एक है, एक्सेसिव यूज ऑफ एमसीसो मैटर पैराग्राफ शुड बी अवॉइडेड। कह रहे हैं एक्सेसिव यूज एमसीसो मैटर अवॉइड करना है, यानी ये नहीं कि हर मैटर पर एमसीसो मैटर इंक्लूड करना शुरू कर दे, नहीं, सिर्फ जो अहम है, जो फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग है, उन्हीं के ऊपर एमसीसो मैटर पैराग्राफ देना है, बाकियों के ऊपर एमसीसो मैटर हर, आपको ये नहीं लगना चाहिए हर चीज़ ये अहम है। ठीक है, जैसे अगर आप मेरे से पूछे सर बताइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा चैप्टर अहम है, हम मैं कहूँ लिखें चैप्टर 1, 2, 4, 3 निकाल दिया, यहाँ से करें 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, ये है। हाँ, तक देखा क्या रहा, क्या क्या पीछे। एग्जैक्टली उसी तरह कह रहा है कि रिपोर्ट में ये ना हो कि आप बहुत से मैटर्स को एम्फोसाइज कर रहे हो, 10, 12, 15। कहता है फिर जब आप ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं तो वो फिर उसका मकसद खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं बता तो आप कहेंगे सर इतने तो सारी किताब ही कर लेते हैं, फायदा क्या हो आपसे पूछने का। तो उसी तरीके से एक्सेसिव यूज को अवॉइड करना है। प्रैक्टिकली एक या दो मैटर्स के ऊपर मैंने देखा हुआ एमसीसो मैटर, दो से ज्यादा के ऊपर मैंने नहीं देखा, शायद कभी देते हो, लेकिन दो मैटर से ज्यादा एक रिपोर्ट के अंदर एमसीसो मैटर मैंने नहीं देखा, दो मैटर्स मैक्सिमम। ठीक है, मैं बता रहा है 10-12 मैटर्स नहीं होने चाहिए आपकी रिपोर्ट में। फिर कह रहे हैं एमसीसो मैटर यू तो आपको पता चल गया, इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये नहीं, जहां पे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न लदा पैराग्राफ है, उसकी सिचुएशंस लदा है। एमसीसो मैटर लदा पैराग्राफ है, इसकी सिचुएशंस लदा है। आप दोनों को सब्स्टिट्यूट यूज नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं पे एमसीसो मैटर पैराग्राफ देना था, उसके बजाय आपने मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न दे दिया, या कहीं पे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा देना था, आपने उसके बजाय एमसीसो मैटर पैराग्राफ दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, देखे इनका क्वेश्चन है, इन्होंने एक स्पेसिफिक सिचुएशन मेरे साथ डिस्कस की है और कहा है कि क्या इसके ऊपर भी एमसीसो मैटर पैराग्राफ आएगा। सुन लें,
स्टैंडर्ड ने ये बताया हुआ है, मैं उस सेशन डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ जो उन्होंने पूछा है। स्टैंडर्ड ने कहा है कि ये एमसीएस ऑफ मैटर की डेफिनेशन है और ये आइडर की जजमेंट पर डिपेंड करेगा। यानी आइडर को जो भी मैटर फंडामेंटल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगता है ना, जो भी ऑडिटर को ऐसा फील होता है कि ये मैटर फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटर उसके ऊपर एमसीएस ऑफ मैटर दे सकता है। फिर स्टैंडर्ड ने हमें एग्जांपल दी कि प्रैक्टिस में इस रूल को सामने रखते हुए ज्यादातर किन केसेस में एमसीएस ऑफ मैटर दिया जाता है, वो 6-7 एग्जाम्पल हमने पढ़ी, ठीक है। लेकिन याद रखिए, इसके अलावा भी कुछ मैटर्स के ऊपर प्रैक्टिकली एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ दिया जा सकता है, शर्त यह है कि ऑडिटर की जजमेंट में वो फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी डेफिनेशन को मीट कर रहा हो, डेफिनेशन को मीट कर रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैं इसलिए नहीं दे रहा, मैंने एग्जाम्पल अगर आपको दी ना तो आपने हमेशा उसमें वही करना है। एग्जाम्पल है जरूर, लेकिन आपके लेवल पे उस एग्जाम्पल का इम्पैक्ट कुछ हो रहा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जहन में रखिएगा कि एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ ज्यादा भी सिचुएशन पॉसिबल है, लेकिन वो प्रैक्टिस में पॉसिबल है आपकी जजमेंट की बेस पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या करना है, सिर्फ जो लिस्ट आपको दे दिया यही रखना है, यही आपका ए टू जी है। इस लिस्ट इंशाल्लाह यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, आएगा तो मेरी जिम्मेदारी है। आपने इसी के अंदर इन्हीं एग्जाम्पल को याद करना है, इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल आई तो एमसीएस मैटर पैराग्राफ आपने लिखना है, और अगर इनके अलावा कोई एग्जाम्पल हुई तो उसके ऊपर एमसीएस मैटर पैराग्राफ नहीं लिखना, ठीक है। वो जिस एरिया की एग्जांपल होगी, जिस मैटर की एग्जांपल होगी वो लिखेंगे। क्लियर होगी मेरी बात? यानी प्रैक्टिकली एडिशनल सिचुएशन पॉसिबल है एमसीएस ऑफ मैटर की, एग्जाम लेवल के लिए इससे ज्यादा कोई एग्जांपल नहीं। क्लियर? और ये एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए। वैसे मेरा भाई शाबाश, आपने वैसे एक्स्ट्रा सोचा, कौन थे भाई ये एक्स्ट्रा सोचा जो मैंने पढ़ा, आपको एमसीएस ऑफ मैटर की वो सिचुएशन याद है जो मैंने सिखाई हुई है, सुनाई मेरा भाई वो याद नहीं, और भैया एक्स्ट्रा सो के बारे में परेशान हो रहा है कि इसके अलावा भी पॉसिबल है कि नहीं, वो भी याद कर ले, वो ज्यादा बेहतर है जो एग्जाम में आनी है। बाकी आपके प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस में जाएंगे तो सीख लेंगे कब एमसीएस मैटर देना। अब चलते हैं हम अदर मैटर की तरफ, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, हमने स्टडी किया था ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनमें सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है, ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हर रिपोर्ट में आते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी रिपोर्ट में आते हैं किसी में नहीं आते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कौन से एलिमेंट है जो किसी रिपोर्ट में आते हैं किसी में नहीं? वो है एमसीएस ऑफ मैटर, वो है अदर मैटर, वो है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, वो है की ऑडिट मैटर। तो हम अगले 3-4 लेक्चर्स में यही सीखेंगे कि ये पैराग्राफ किन सिचुएशंस में आते हैं, और अगर किसी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन में ये पैराग्राफ आएंगे हमने इनको ड्राफ्ट कैसे करना है, यानी इन पैराग्राफ की सर्कमस्टेंसेस और ड्राफ्टिंग भी सीखेंगे। जैसे कल एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग सीखी ना हमने, एमसीएस ऑफ मैटर, मेरा भाई मुझे बता दीजिए एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग, छुट्टी में था, एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग सुना दे। ढाई लाइनें थी ना, 2-2.5 लाइनें, इससे ज्यादा तो काम नहीं था। विड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर एक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच फुली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू आउटकम ऑफ लिटिगेशन फाइल्ड अगेंस्ट कंपनी बाय एक्स वाई जेड, और फिर आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक है। तो एमसीएस ऑफ मैटर हमने समझ लिया, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, ये जहन में रखिए, पहले इसका कंसेप्ट आपको मैं बता दूं, एमसीएस अदर मैटर पैराग्राफ भी एमसीएस ऑफ मैटर ही की तरह ना तो कोई मिसस्टेटमेंट है ना ही कोई स्कोप लिमिटेशन। यानी एमसीएस ऑफ मैटर अदर मैटर में सिमिलरिटी क्या हुई के दोनों ही ना मिसस्टेटमेंट है ना स्कोप, क्योंकि अगर मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो तो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाए, एमसीएस ऑफ मैटर अदर मैटर में थोड़ा ही है, ठीक है। तो अदर मैटर भी ना मिसस्टेटमेंट है और ना ही स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये क्या है, ये कोई ऐसा मैटर है जो ऑडिटर जरूरी समझता है कि शेयर होल्डर्स को यूजर्स को कम्युनिकेट करे, जो ऑडिटर जरूरी समझता है कि शेयर होल्डर या यूजर्स को कम्युनिकेट करे। भाई एमसीएस ऑफ मैटर में भी तो यही था कि रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं थी, लेकिन ऑडिटर जरूरी समझ रहा था कि शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए। तो फिर दोनों में सिमिलैरिटी तो समझ आ गई, फर्क किस जगह पे आया? दोनों में फर्क सिर्फ एक ये है कि एमसीएस ऑफ अगर वो मैटर ऐसा हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स में शामिल है, तो हम उसको एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ में लिखते हैं। और अगर मैटर जो ऑडिटर जरूरी समझ रहा है बताना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं, वो ऑडिट से रिलेट कर रहा है, ऑडिटर से रिलेट कर रहा है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रोसीजर से रिलेट कर रहा है, तो फिर उसे हम अदर मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं। यानी इन शॉर्ट, एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ रिलेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अदर मैटर पैराग्राफ रिलेट करता है ऑडिटर से।
एमसीक्यू का मैटर पैराग्राफ लाजमी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होगा, अदर मैटर पैराग्राफ लाजमी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होगा। एमसीक्यू मैटर रिक्वायर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करवाना, और अदर मैटर रिक्वायर्ड नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना। क्यों भला रिक्वायर्ड नहीं होता? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं करता, वो तो रिलेट करता है ऑडिट से। तो जो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आनी चाहिए, और जो ऑडिट से रिलेट करे ऑडिट रिपोर्ट में आनी चाहिए। भाई क्लियर है? दोनों में फर्क समझ आ गया? चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखें। देखिए डेफिनेशन उसी लाइन पे है जिस लाइन पे एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की डेफिनेशन थी। क्या? अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट टू ड्रा यूजर अटेंशन। यहां पे टू कम्युनिकेट ए मैटर, टू कम्युनिकेट क्यों भला? क्योंकि अटेंशन ड्रा करने के लिए वो मैटर कहीं मौजूद होना चाहिए, टेंशन ड्रा करने के लिए वो मैटर कहीं मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मैटर मौजूद नहीं है आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेंशन ड्रा नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पे ड्रा का लफ्ज नहीं, उसने कम्युनिकेट का वर्ड यूज, टू कम्युनिकेट ए मैटर विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, जो डिस्क्लोज नहीं है। क्यों डिस्क्लोज नहीं है? नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज। अच्छा पहले ना एक सेशन में मैंने क्या किया, एक छोटी आपको बताया बाजू का एक लफ्ज की गलती से कंसेप्ट जो है ना वो कैसे स्टूडेंट गलत समझ जाते हैं। जैसे पहले एक मैंने आपको कल एग्जांपल दिया और भी नॉन मॉडिफाइड, एक सेशन में मैंने यहां पे लिखा टू कम्युनिकेट ए मैटर नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका भी कंसेप्ट यही बनता है ना, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं है, अदर मैटर का मैटर डिस्क्लोज नहीं होता, होता ही नहीं है ना, तो नॉट डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दिया करता था मैं पहले। फिर एक केस स्टडी मैंने टेस्ट की जिसमें मैंने कहा क्लाइंट के खिलाफ लीगल केस फाइल हुआ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डिस्क्लोजर नहीं है, इफेक्ट क्या होगा? अच्छा मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? स्टूडेंट कहेगा मिसस्टेटमेंट है, अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। लेकिन स्टूडेंट ने क्या लिखा? अदर मैटर पैराग्राफ। और मैंने कहा अदर मैटर पैराग्राफ कहां से आ गया? सर डेफिनेशन में देखे आपने लिखा है कि अदर मैटर पैराग्राफ नॉट डिस्क्लोज होता है, तो जहां कहीं केस स्टडी में नॉट डिस्क्लोज आ गया ना तो वहां पे हम अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर दिया करेंगे। क्या ये कंसेप्ट ठीक है? ये कंसेप्ट गलत है। वो क्यों मिसस्टेटमेंट है? लिटिगेशन जो थी डिस्क्लोज नहीं की, वो क्योंकि वो रिक्वायर्ड थी डिस्क्लोज करना। अदर मैटर डिस्क्लोज नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन उसके बावजूद ये मिसस्टेटमेंट नहीं है। क्यों मिसस्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं होता, रिक्वायर्ड ही नहीं होता। जिसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है ना जो टेस्ट होती है बार बार, वो ये है कि अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, सबसे ज्यादा एग्जांपल कैफ और सीफैप दोनों जगह पे जो टेस्ट होती है अदर मैटर की वो बता रहा हूं आपको। पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल का ऑडिट हमने किया, मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ इस साल की फिगर आ रही होती है कि कंपैरेटिव भी आ रहा था? अब अगर हम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट देंगे तो यूजर ये समझेगा ना कि सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने वेरीफाई किया है। यूजर ये भी समझ सकता है कि इस साल की फिगर है तो पिछले साल की फिगर भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, तो यूजर ये समझ सकता है कि नहीं कि कंपैरेटिव भी हमने ऑडिट किया हुआ है, हालांकि कंपैरेटिव हमने ऑडिट नहीं किया। तो मुझे बताइए क्या हमें ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर को बता देनी चाहिए कि भैया इस साल की फिगर हमारी जिम्मेदारी है, पिछले साल की फिगर हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं, पिछले साल की फिगर हमने ऑडिट नहीं की, वो तो किसी और ने ऑडिट की है, ये बता देना चाहिए कि नहीं? अच्छा बताइए ये वाला मैटर कि पिछले साल की फिगर हमने ऑडिट नहीं की, किसी और ने की है, ये वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है कि ऑडिट से? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड है? तो फिर इसे हम कहां डिस्क्लोज करते हैं, कहां बताते हैं? अदर मैटर पैराग्राफ में। और अगर केस स्टडी में कहते कि पिछले साल का ऑडिटर कोई और था, इस साल आप अपॉइंट हुए हैं, पिछले साल का ऑडिटर कोई और था, इस साल आप अपॉइंट हुए हैं, और ये इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, तो आप इसको मिस स्टेटमेंट लेंगे ना? नहीं, डिस्क्लोज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं? रिक्वायर्ड नहीं, इस पर अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। तो ये अब आपको समझ आया ये इसका क्या मतलब है? ये टू कम्युनिकेट ए मैटर, फिर उसके बाद मैंने आदत बना ली, इसी तरह बंदा सीखता है ना कि हमेशा नॉट डिस्क्लोज के दरमियान में नॉट रिक्वायर्ड भी ऐड करना है। कि ये क्यों नहीं? क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं होता डिस्क्लोज करना, क्योंकि जो चीज डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है वो ना दे तो वो मिस स्टेटमेंट है, और जो रिक्वायर्ड ही नहीं और वो डिस्क्लोजर ने दिया वो अदर। ये फर्ज ज़हन में रखिए, आईना कभी लीगल केस के बारे में कहे ना कि डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं किया, तो आपने ये नहीं कहना ये तो अदर मैटर होता है जिसमें डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं होता, अदर मैटर है। नहीं 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 नहीं, दुनिया में सिर्फ एमसीक्यू मैटर अदर मैटर नहीं है, सिर्फ और भी चीज है, वो भी सोचे मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
बट इज रेलिवेंट, 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 ठीक है, रेलिवेंट। कल क्या था? फंडामेंटल। आज क्या है? रेलिवेंट। कल क्या था? डिस्क्लोज, रिक्वायर्ड टू बी। आज क्या है? कल क्या था? ड्रॉ। आज क्या है? कम्युनिकेट। ठीक है, रेलिवेंट का मतलब है कि इतना ज्यादा अहम नहीं है, फंडामेंटल चीज ज्यादा अहम होती है ना, रेलिवेंट चीज का मतलब, रेलिवेंट का मतलब कम अहम, लेकिन बता देना बेहतर है। ठीक है, रेलिवेंट है, यूजर्स को बता देना बेहतर है। टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब एमसीएस मैटर रिलेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अदर मैटर रिलेट करता है ऑडिट से। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कोई ऐसा मैटर कम्युनिकेट ना करना जो लॉ ने मना किया हो। दूसरे लफ्जों में क्या कह रहा है? अदर मैटर में कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर ना लिख देना। अदर के क्लाइंट ने कोक का ऑडिट करने के लिए गए, कोक कैसे बनती है इसका फार्मूला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं था, लेकिन हमने कहा ये रेलिवेंट है, हमने तो वेरीफाई किया हुआ है, हमने तो ऑडिट में, हमने तो इसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत की थी, तो ये बता देना चाहिए। तो क्या अदर मैटर में, अदर मैटर में बता दें? एमसीएस मैटर में बता दें? नहीं, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। लॉ कहता है कॉन्फिडेंशियल मैटर डिस्क्लोज नहीं करने। हमारे ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, मैटर के ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल पता है क्या है? क्या है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल? कि क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन आपके साथ क्लाइंट शेयर करता है वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करने, नहीं करने। ठीक है, हाँ, जिस तरीके से आप घर की बातें, मिसाल समझाने के लिए, घर की बातें बाहर नहीं ना बताते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मैटर होते हैं, उसी तरीके से एक क्लाइंट की बातें भी कहीं पे भी नहीं, ना किसी दूसरे क्लाइंट को ना किसी दूसरे पर्सन को, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, घर की बातें बाहर बता दें तो घर वाले शायद आपको माफ कर दें, कुछ ना कहे। क्लाइंट की बात किसी दूसरी जगह पे आप बताएंगे ना, आई क्लाइंट भी नहीं छोड़ेगा, आई कैब भी नहीं छोड़ेगा, एससीसी भी नहीं छोड़ेगा आपको। तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल। तो मैटर अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तो हमने फिर उसको कम्युनिकेट नहीं करना। अब केस स्टडी में आपको कहेगा एक मैटर है, रेलिवेंट है फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, आइटम्स मैटर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना चाहता है, लेकिन क्लाइंट ने कहा सर ना कीजिए, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। हाँ, आप लिखेंगे अगर ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि कम्युनिकेट ना, तो फिर नहीं करेंगे। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ फिर कर लेंगे, यानी दोनों पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, मैटर इज नॉट ए की ऑर्डर मैटर, इसका मतलब क्या है? कि अगर वो मैटर ऐसा है ना जो की ऑर्डर मैटर की लिस्ट में है, तो फिर उसमें की ऑर्डर मैटर दिया जाएगा, अदर मैटर नहीं दिया जाएगा। देखिए, हर हर पैराग्राफ की अपनी लिस्ट है। क्या आपको ये बात पता है? इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको जो आपके बहुत काम आएगी, फिर भी आपने इसके ऊपर अमल नहीं करना। बहुत काम ये आएगी कि हमारे जितने भी पैराग्राफ हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ हो, चाहे एमसीज मैटर हो, चाहे अदर मैटर हो, चाहे गोइंग कंसर्न हो, चाहे की ऑर्डर मैटर, हर पैराग्राफ की अपनी अपनी लिस्ट है, हर पैराग्राफ की अपनी अपनी लिस्ट है, हर पैराग्राफ की अपनी अपनी लिस्ट है। किस किस पैराग्राफ की अपनी अपनी लिस्ट है? अच्छा, जितना मर्जी रटा लगा याद कर ले, भूल आपने फिर जाना है, फिर जाना। ये बस क्लास की हद तक है, क्लास के बाद क्या हुआ, क्लास में क्या नहीं हुआ, कुछ पता नहीं होगा आपको, भूल जाएंगे सारा कुछ। तो मुझे अपनी अपनी लिस्ट है, यानी क्या कहना चाह रहा है? मोडिफाइड ओपिनियन की अपनी लिस्ट है। क्या आपको मिस स्टेटमेंट की लिस्ट पढ़ाई? क्या आपको स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट पढ़ाई? क्या आपको एमसीएस मैटर की लिस्ट पढ़ाई? आज अदर मैटर की लिस्ट पढ़ेंगे। इसके बाद नोट कर लीजिएगा, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसके बाद की ऑर्डर मैटर की लिस्ट भी पढ़ेंगे, इसके बाद गोइंग कंसर्न की लिस्ट भी पढ़ेंगे, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हर एक लिस्ट होगी, आप एक एग्जाम्पल ऐसी नहीं निकाल सकेंगे जो एक जगह पे मौजूद हो और दूसरी जगह पे भी आ रही हो। एक एग्जाम्पल, ये तकरीबन मिल मिला के 50-60 एग्जाम्पल्स बनेगी मिल मिला के, लेकिन एक एग्जाम्पल भी ऐसी नहीं होगी जो आप कहें सर ये मिस स्टेटमेंट वाली लिस्ट में थी और ये अदर मैटर में भी आ रही है, सर ये स्कोप लिमिटेशन में थी, ये एमसीओ मैटर में भी आ रही है। एक एग्जाम्पल भी नहीं निकाल सकेंगे। दो सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें सिचुएशन नंबर वन में भी रिपोर्ट पे दो जगह पे इफेक्ट आ रहा है, सिचुएशन नंबर टू में भी, लेकिन रीजन डिफरेंट होती है, रीजन डिफरेंट है। मेन कंसेप्ट क्या है? आपको जो लिस्ट दी जाएगी हर पैराग्राफ की, हर एक पैराग्राफ की अपनी अपनी लिस्ट है, गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्या भला
आप कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसी नहीं निकाल सकते जो किसी दूसरी जगह भी आ रही हो उस जगह भी आ रही हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप कहेंगे सर ये स्कोप लिमिटेशन में भी आ रही है, ये गोइंग कंसर्न में भी आ रही है, बताए एग्जाम में कहां लिखनी है, फिर तो आप ये पूछ रहे होंगे ना। नहीं हो ही नहीं ऐसी पॉसिबिलिटी, नहीं दोनों जगह लिखेंगे है ही नहीं ऐसी पॉसिबिलिटी, तो समझना क्या कंसर्न समझाने की कोशिश कर रहा। अच्छा इसका दूसरा मतलब पता क्या है कि आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि कोई भी एग्जाम्पल आएगी ना, कोई भी एग्जाम्पल, ना आपने मिसक्लासिफाई करनी है ना आपने डुप्लीकेट करनी है, कोई भी एग्जाम्पल ना मिसक्लासिफाई करनी है ना डुप्लीकेट करनी। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि पढ़ी एग्जाम्पल एमसीएस ऑफ मैटर में फिट कर दें अदर मैटर में, पढ़ी एग्जाम्पल स्कोप लिमिटेशन में फिट कर दें की ऑर्डिनरी मैटर में, मिस क्लासिफिकेशन नहीं करनी, जो एग्जाम्पल जहां याद करवाई उधर ही फिट करना है, उधर ही फिट करना है। एक इसका मतलब ये है, नॉट टू बी डुप्लीकेटेड का मतलब क्या है कि ये भी नहीं करना कि अच्छा एमसीएस मैटर में भी डाल दिया और उसको पीआरडी मैटर में भी डाल दिया, ऐसे नहीं करना। हर पैराग्राफ की अपनी सिचुएशंस हैं, हर सिचुएशन ना मिस क्लासिफाई करनी है ना डुप्लीकेट करनी, यानी यूं समझ लीजिए ये सारे पैराग्राफ घर है, घर है, और ये जो एग्जाम्पल्स है ना इनकी, ये इनके अफराद हैं। आपने हर फर्द को उसके घर में भेजना है, किसी फर्द को दूसरे के घर में नहीं भेज देना और ना ही किसी फर्द को दो घरों में फिट कर देना, ठीक है। नो सिचुएशन टू बी मिस क्लासिफाइड ना डुप्लीकेटेड। मिस क्लासिफाइड का मतलब समझ आ गया, डुप्लीकेट का मतलब समझ आ गया, नहीं आया समझ, कन्फर्म है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट अभी भी केस स्टडी में गलतियां करेंगे, देख लीजिए, मेरा भी तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा। आगे चलते हैं, ये डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन थी कंसेप्ट के लिहाज से, रिप्रोडक्शन के लिहाज से। अब आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो आपको पढ़ा भी दी, क्या भला पिछले साल गार्डन किसी और ने किया हो और इस साल हम आ जाए। अच्छा पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल हम अपॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वर, यानी ऑडिट ही नहीं हुई या ऑडिट किसी और ने की। देखिए अगर ऑडिट नहीं हुई फिर भी तो हमें बता देना चाहिए भाईजान हमने नहीं पिछले साल का कंपैरेटिव ऑडिट किया, या किसने भी नहीं किया, क्योंकि अगर पिछले साल का कंपैरेटिव ऑडिट ही नहीं हुआ या किसी और ने ऑडिट किया, दोनों सूरतों में हमारी जिम्मेदारी से तो बाहर है, हमारी जिम्मेदारी, तो हमें दोनों सूरतों में कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि पिछले साल का हमने ऑडिट नहीं किया। क्लियर होगी ये बात। अच्छा दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूं, मुझे बताना है किस में कि अदर मैटर आएगा और किस में एमसीएस ऑफ मैटर आएगा। अच्छा हो सकता है दोनों में एमसीएस ऑफ मैटर या अदर मैटर आ जाए, और ये भी हो सकता है दोनों में ना आए। एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल सुनिए, पहली एग्जाम्पल, वी हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड, पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल, वी हैव बीन रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। वे भाई बताएंगे जी, एक मिनट जी, फर्स्ट में वी हैव बीन अपॉइंटेड, क्यों अपॉइंटेड का मतलब, हाँ लफज अपॉइंटेड से आपको पता चल गया कि पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया। कैसे पता चला, क्योंकि पिछले साल का भी अगर ऑडिट हमने किया होता ना तो वो केस स्टडी में लफज अपॉइंटेड यूज ना करता, रीअपॉइंटेड यूज करता उसने केस, देखे अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड के लफ्ज़ से हमारा रिपोर्ट के ऊपर चार नंबर होते हैं इस चीज के, चार नंबर किस चीज के, केस स्टडी में ये गेस करने के कि अपॉइंटेड लिखा हुआ है कि रीअपॉइंटेड लिखा हुआ है, चार नंबर, चार नंबर कैसे, हमने तो सिर्फ इतना लिखना होता है कि अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड होगा, बट हाँ उस अदर मैटर पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन क्या इंक्लूड होगी ये भी तो लिखना होता है, तीन नंबर इसके भी होंगे, तीन नंबर इसके, समझ आए। एमसीएस ऑफ मैटर में पूरी बात लिखते थे कि सिर्फ हेडिंग लिख देते थे, पूरी बात सिखाई थी कल, अदर मैटर में भी पूरी बात लिखनी है कि सिर्फ हेडिंग पूरी बात, तो वी हैव बीन अपॉइंटेड और वी हैव बीन रीअपॉइंटेड में फर्क समझ आया, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। अच्छा आपको इनिशियल ऑडिट और रिकरिंग ऑडिट बताया होगा ना, तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा अदर मैटर आएगा, जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा अदर मैटर आएगा, देखा वो कंसेप्ट भी लिंक हो गया हमारा इनिशियल ऑडिट का। चलिए पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड आर ऑडिटेड बाय अदर, तो अदर मैटर आएगा, एग्रीड। आगे ऑडिटर इश्यू रिपोर्ट्स ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक ही कंपनी का एक ही साल, देखें इसका मतलब क्या, ये समझ लें
क्लाइंट हमारे पास आता है सर ऑडिट करवाना है, हम कहते हैं करवाएं, किस लिए करवाना है? सर स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेचनी है शेयर होल्डर्स के लिए। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क होगा जनरल पर्पस IFRS, IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल। उसने कहा सर IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल। ने कहा ठीक है। फिर उसने कहा सर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दोबारा ऑडिट करना है। हमने कहा वो कैसे? उसने कहा फॉर एग्जाम्पल एक ये भी कह सकता है सर FVR को देना। अब वो जो केस स्टडी में एग्जाम्पल पूछता ना, मैं वो एग्जाम्पल ऐड कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहे। हमने पूछा दूसरा, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी ही हैं, इसी साल की है, लेकिन एग्जैक्टली यही नहीं है, उसमें फिगर थोड़ा सा चेंज होगी। हमने कहा ये कैसे हो सकता है? हाँ उसने कहा, हमने कहा ये, उसने कहा सर इसका फ्रेमवर्क IFRS नहीं है, इसका फ्रेमवर्क है US GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन US। मैंने कहा भाई USA इधर क्या करने आ गया? उसने कहा सर असल में हमारे मेजोरिटी शेयर्स USA की कंपनी ने खरीदे हैं, उन्होंने कंसोलिडेशन करनी है, हमने उन्हें पहले साल में ना IFRS की फाइनेंशियल में भिजवाई थी, उन्होंने वापस कर दी। उन्होंने कहा भाई IFRS पाकिस्तान में चलते होंगे, हमारा USA का अलहदा फ्रेमवर्क है, और सच में अलहदा फ्रेमवर्क है, उसे कहते हैं US GAAP। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ही की चाहिए, इसी साल की चाहिए, लेकिन किसके मुताबिक? दूसरे फ्रेमवर्क के मुताबिक, US GAAP के मुताबिक, US GAAP के। तो क्या हम अब देखें ये एग्जांपल वही नहीं बन गई? एक ही क्लाइंट एक ही साल, अब ऑडिटर दोनों का ऑडिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, दोनों सेट, एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होगा IFRS और दूसरा बना होगा US। बताइए क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इस सूरत में यूजर कंफ्यूज हो सकते हैं, वो समझ रहे होंगे कि हो सकता है। अब देखें इंटरनेट का जमाना है ना, आप सर्च करेंगे ABC कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आ जाए तो IFRS की भी आ जाएंगे, US GAAP की भी आ जाएंगे, इंटरनेट का जमाना जो हुआ। तो यूजर कंफ्यूज हो सकता है कि इसी साल किसी कंपनी की इधर कुछ और प्रॉफिट है इधर कुछ और प्रॉफिट है, तो उसको बता देना चाहिए कि ये फ्रेमवर्क डिफरेंट है। अगर ऑडिटर रिपोर्ट इशू करता है मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्लियर हो गया इसको खास तौर मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही कंपनी की एक ही साल की एक से ज्यादा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर ऑडिटर रिपोर्ट देगा तो अदर मैटर होगा, अदर मैटर होगा। क्लियर हुई ये बात? चले अभी नहीं, रिपोर्ट एक ही नहीं आएगी, क्यों एक ही नहीं होगी? बड़ा रिपोर्ट हो सकता है एक में गलतियां हो दूसरे में ना हो, ठीक, रिपोर्ट दो होंगी। IFRS जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई भेजी गई उनकी ऑडिट रिपोर्ट अलहदा होगी, और जो USA में भेजी गई उनकी ऑडिट रिपोर्ट अलहदा होगी। अब हाँ अगला सवाल ये अदर मैटर किस में आएगा, ये जब केस स्टडी आएगी फिर आपके साथ डिस्कशन होगी। यहाँ चले आपको मैं अभी बता दूं, दोनों में आएगा ठीक है, दोनों में। लेकिन वैसे वो ज्यादातर पूछ रहा है उस दूसरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी दूसरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ भाई चले बहरहाल आगे चलते हैं। इफ ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इसमें देखें ये एग्जांपल क्या थी, मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसमें यूजर भी डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिफरेंट। ये जो एग्जांपल है ना ऑडिटर इसके साथ लिख लें, ये है नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट, स्टैच्यूटरी ऑडिट और नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट पढ़ा था, नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट किस लिए होता है याद है? रिक्वायर्ड वाला, तो वो कौन रिक्वायर कर रहा होता फिर? वो कोई ना कोई बैंक, शाबाश, या कोई और, हाँ ठीक है FVR। बैंक की एग्जांपल लेके चलते हैं आगे। बैंक ने कहा लोन लेना है ना, कंपनी से कहा लोन लेना है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवा के लाओ। उन्होंने कहा अच्छा अभी ऑडिट करवाया है, सारे शेयर होल्डर्स को दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप ले ले। बैंक ने कहा ओ भाई ये तो आपने अक्रूवल बेसिस पे बनाई है, हमें तो हमारा था, हमें प्रॉफिट से क्या लेना देना, हमें इंटरेस्ट से लेना देना है, और आपके एसेट्स आप रीपे कर पाएंगे कि नहीं, इससे लेना देना, प्रॉफिट से लेना देना, हमारे तो कैश बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ और वो हमें दो, रिक्वायरमेंट समझ आई? कंपनी ने कहा अच्छा अब तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी। कंपनी ने ऑडिटर को एंगेज किया, कंपनी ने ऑडिटर को एंगेज किया, या यूं समझ ले कि इससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी ही नहीं हुई थी। कंपनी लोन लेने पार्टनरशिप लोन लेने के लिए, सोल प्रोवाइडर लोन लेने के लिए गया, बैंक ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस पे बना के लाओ और इनका ऑडिट भी करवा के लाओ। बैंक की रिक्वायरमेंट जेन्युइन है ना, कंपनी हमारे पास आई
कहा सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है किसके मुताबिक, कैश बेसिस के मुताबिक। क्यों? बैंक ने कहा था। आप बरए मेहरबानी इसका ऑडिट कर दीजिए। क्या इसका ऑडिट हम कर सकते हैं? कर क्यों नहीं सकते? कर सकते हैं, कर क्यों नहीं सकते? कर सकते हैं। क्या हमें कैश बेसिस नहीं आती? बिल्कुल आती है। हमने क्या कर देंगे? लेकिन लेकिन मुझे ये बताइए, ये ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बन रही है? बैंक के लिए। तो क्या यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर देना चाहिए, दिस रिपोर्ट इज ओनली फॉर बैंक, नॉट टू बी यूज्ड बाय अदर, नॉट टू बी यूज्ड बाय अदर। इसका फायदा ये होता है, कल कलांक को अगर, इसका फायदा क्या होता है, फायदा बता दूं, फायदा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। कल कलांक को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ निकल आए ना, तो हमें सिर्फ बैंक हमारे खिलाफ केस कर सकता है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। स्टैट्यूटरी ऑडिट में तो चूंकि जनरल मेंबर्स होते हैं सारे पब्लिकली, तो उसमें कोई भी केस कर सकता है मेंबर। लेकिन इस केस में, इसलिए याद रखे, ये अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करना हमेशा ऑडिटर के लिए बेहतर होता है। क्लियर हो गई सिचुएशन? तो अब मुझे ये बताइए, आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैनेजमेंट हमारे पास आई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस के मुताबिक बनी है, उन्होंने बताया कि जी बैंक को रिपोर्ट जमा करवानी है, सिर्फ बैंक के लिए रिपोर्ट बन रही है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया, कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हुई थी। अब हम रिपोर्ट बता रहे हैं, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए क्या आएगा जी? अब देखिएगा स्टूडेंट कैसे फेल होते हैं, स्टूडेंट कैसे फेल, मतलब क्या इफेक्ट होगा? फिर से क्वेश्चन बताऊं, मैनेजमेंट आए, सर बैंक से लोन लेना था, बैंक वाले ने कहा कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के लाएं, कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के लाए हैं, इनको ऑडिट कर दीजिए, रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बैंक को जानी है और किसी को नहीं जानी। हमने कहा ठीक है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया, सब कुछ कैश बेसिस के लिहाज से ठीक था, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। हाँ शाबाश, सबसे पहले क्या लिखेंगे? अनमोडिफाइड ओपिनियन, और फिर अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करेंगे जिसमें लिख देंगे कि ये सिर्फ बैंक के लिए है। देखा, ये फर्क होता है क्लास में कंसेप्ट सीखने में और प्रैक्टिस करने में। क्लास में आप सिर्फ करंट टॉपिक के ऊपर गौर कर रहे होते हैं, हालांकि कल चीख चीख के बताया था अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो तो एमसीएस और मैटर पैराग्राफ ऐड करना है। इसमें अदर मैटर तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ एमसीएस और मैटर भी आएगा, साथ ही साथ एमसीएस और मैटर भी आएगा। एमसीएस और मैटर क्यों आएगा? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अदर मैटर क्यों आएगा? क्योंकि रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। वो समझ आई आपको? क्या एक ही रिपोर्ट के अंदर एमसीएस और मैटर और अदर मैटर दोनों आ सकते हैं? दोनों क्या, चारों आ सकते हैं। चारों कौन? मोडिफाइड ओपिनियन भी आ सकता है, और की ऑर्डर मैटर भी आ सकता है, एमसीएस मैटर भी आ सकता है, अदर मैटर भी आ सकता है, बल्कि अगर इजाजत दें तो गोइंग कंसर्न भी आ सकता है पांचवा। ये लो, पांचों के पांचों आ सकते हैं। हाँ, एक एक सिचुएशन में, यहां पे देखिए, उन्होंने कहा सर आपने अभी बताया था एक सिचुएशन जो है उसका इफेक्ट देख, देखिए केस स्टडी में मल्टीपल सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन की वजह से दो पैराग्राफ नहीं आए ना ना। एमसीएस ऑफ मैटर किस वजह से आया है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की वजह से। अदर मैटर किस वजह से आया है? रिपोर्ट रिसीव करने की वजह से। दोनों के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है। आई कैप ने सिर्फ इतना किया, एक केस स्टडी में दोनों सर्कमस्टेंसेस ऐड कर दिए, जो बताया था आईकैप का लेटेस्ट तरीका वारदात है। रिलेटेड पार्टी में भी बताया था ना, एग्जांपल याद है, फिक्स एसेट्स डिस्पोज किया लॉस पे, तो क्या रिस्क है? एक था डेप्रिसिएशन का और एक रिलेटेड पार्टी का था, रिलेटेड पार्टी का था, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एड्रेस भी चेंज होगा, एड्रेस ही बैंक आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा, इफ देयर इज स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हुज इफेक्ट इज परवेसिव। अच्छा, अगर स्कोप लिमिटेशन हो बाय मैन, शाबाश, स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट, अच्छा एक मिनट ठहरे, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव, ओपिनियन बताए। ओके, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट इफेक्ट परवेसिव। हाँ, यहां पहले विड्रॉ करना है। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट का आपको पता है ना इफेक्ट ज्यादा सिवियर होता है। फिर से बताइए, स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव, डिस्क्लेमर मैंने, करेक्ट, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट इफेक्ट परवेसिव, विड्रॉ इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिव, अगर मुमकिन हो। अब कब मुमकिन है कब मुमकिन नहीं है इसको गोली मारे, इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल।
और अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल ना हो तो फिर क्या करना है, फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है और साथ ही साथ अदर मैटर भी देना है। अब कहें फिर सर एक सिचुएशन में दो कैसे आ सकते हैं, कौन सा यानी फिर से सुने, नहीं समझ आई बात, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, कौन सा ओपिनियन, डिस्क्लेमर, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, विड्रॉल क्यों, क्योंकि ज्यादा सवेयर रिस्क है, ज्यादा सवेयर मसला है, विड्रॉल इफ पॉसिबल प्रैक्टिकेबल, और अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे, लेकिन साथ में अदर मैटर बैक रहा, भाई ये क्यों ऐड करे, ये इस वजह से कि विड्रॉ क्यों नहीं किया, ये इस वजह से कि विड्रॉ क्यों नहीं किया, ये इस वजह से नहीं कि स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट, इस वजह से नहीं कर रहे, इस वजह से नहीं कर रहे। आप ये ना समझे कि कहीं एक ही चीज का, देखिए वो केस एक है लेकिन रीजनिंग डिफरेंट है, केस एक है क्या, के स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, परवेसिव है, विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है, केस स्टडी एक है लेकिन इसका इफेक्ट दो जगहों पे जा रहा है, एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एक अदर मैटर, लेकिन दोनों की रीजनिंग डिफरेंट है, विड्रॉ डिस्क्लेमर किस वजह से है, स्कोप लिमिटेशन की वजह से, और अदर मैटर किस वजह से है कि क्यों विड्रॉ नहीं किया जो करना चाहिए था, ये बात समझ आए, तो मुझे बताइए स्कोप लिमिटेशन इफेक्ट परवेसिव है अदर मैटर आएगा, स्कोप लिमिटेशन है इफेक्ट परवेसिव है अदर मैटर आएगा, नहीं आएगा, डिस्क्लेमर आएगा, ये रेगुलर है, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है ये आएगा, और ये जहन में रखिएगा एग्जाम में आई कैप इतना शरीफ ना कभी रहा ना कभी होगा कि आपको खुद से बता दे स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, ये अल्फाज नहीं, बल्कि आपको कैसे बताएगा, आपने मैनेजमेंट से कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की, मैनेजमेंट ने वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की, ये तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए ये स्कोप लिमिटेशन सादा नहीं है, ये बाय मैनेजमेंट है, तो केस स्टडी में सादा वाली स्कोप लिमिटेशन और बाय मैनेजमेंट वाली स्कोप लिमिटेशन पहचान लेंगे क्या, केस स्टडी में सादा वाली स्कोप लिमिटेशन पहचान लेंगे, नहीं पहचान पाएंगे, नहीं पहचान, आधे से ज्यादा स्टूडेंट नहीं पहचान पाएंगे, हालांकि बार बार रिपीट कर देता हूं, स्कोप लिमिटेशन बाय स्कोप लिमिटेशन सादा हो, इफेक्ट परवेसिव हो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, लेकिन स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, तो विड्रॉल इफ पॉसिबल प्रैक्टिकेबल, अगर विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं है, डिस्क्लेमर और साथ में अदर मैटर, अच्छा अदर मैटर स्कोप लिमिटेशन की वजह से नहीं दे रहे, अदर मैटर हाँ स्कोप लिमिटेशन की वजह से तो डिस्क्लेमर दे रहे हैं, अदर मैटर विड्रॉल नहीं किया इस वजह से दे रहे हैं, शाबाश बेहतरीन प्रेजेंटेशन, अच्छा दो मिनट सेपरेटली प्रेजेंट किया जाए, जैसे एमसीक्यू मैटर लदा हेडिंग के साथ, वैसे भी अदर मैटर लदा हेडिंग के साथ प्रेजेंट किया जाएगा, क्लियर, प्लेसमेंट कहां होगी, रिपोर्ट के एंड पे, एमसीक्यू मैटर की किधर होती थी भला, बेसिस के बाद, इसके एंड पे होगी, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है वो अभी नहीं बता रहा, वो फिर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, लिखा हुआ है लेकिन वो बाद में, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम है ड्राफ्टिंग, वो एक दफा पढ़ लें सवाब की नियत से, दो दो तीन लाइनें एग्जाम्पल, अच्छा ऊपर अदर मैटर पैराग्राफ आना चाहिए, अदर, अच्छा ये क्या लिखा है प्राइज आर्टिकल में, हेडिंग, इसका मतलब है इसके भी हेडिंग होती है, एमसीक्यू मैटर की हेडिंग होती थी, अदर मैटर की भी होती है, आपने ये पढ़ के मुझे बताना है कि ये एक दो तीन चार कौन सी वाली एग्जाम्पल का, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30th December 2020 वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर हु एक्सप्रेस्ड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च, हु एक्सप्रेस्ड अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन 31 मार्च, हु एक्सप्रेस्ड अनमॉडिफाइड ओपिनियन अनदर ऑडिटर यानी प्रीडिसेसर ऑडिटर, बात समझ, अगर आपसे कहा जाए अदर मैटर पैराग्राफ लिख दो लिख देंगे, अगर कहा जाए ये लिखा हुआ इसमें से गलतियां निकालो निकाल देंगे, टेस्टिंग का इसका तरीका कार एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एमसीक्यू मैटर का, यानी या तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में हमसे लिस्ट पूछ सकता है या हमें केस स्टडी में बताएगा इसी में से कोई सिचुएशन और हमें उसे बताना होगा कि इसमें अदर मैटर पैराग्राफ आएगा या ड्राफ्टिंग या एरर्स आइडेंटिफाई करने का जाएगा, क्लियर होगी, आपको ड्राफ्ट करने के भी काबिल होना चाहिए, आप में तीन स्किल होनी चाहिए आज के लेक्चर के बाद, कोई भी सिचुएशन आए जिसमें अदर मैटर पैराग्राफ आ रहा है आप आइडेंटिफाई कर ले इसमें अदर मैटर आएगा, इनमें से कोई भी सिचुएशन आए, पहले से दूसरी स्किल आपसे अगर कहे ड्राफ्ट करके दो
ड्राफ्टिंग करनी आनी चाहिए। तीसरी स्किल, ड्राफ्ट मैं करता हूँ गलतियाँ तुम निकालो, आपको इस काबिल होना चाहिए। क्लियर जी? असाइनमेंट नोट कर लें, इसकी डिस्कशन फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।